भारत माता की जय। पूरी दुनिया आज खड़े होकर पीएम मोदी के लिए जमकर तालियां बजा रही है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो, फ्रांस हो या कोई मुस्लिम देश, क्योंकि भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है कतर में। दरअसल जासूसी के आरोप में कतर के जेलों में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। अब विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और इनमें से 7 पूर्व नौसैनिक अपने वतन भी लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि कतर से लौट रहे पूर्व नौसैनिकों ने अपनी सरजमी पर वापसी करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय। कतर से भारत लौटे नौसेना के अधिकारी ने अपनी वापसी पर कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारा फिर से वापस लौटना संभव नहीं था। भारत सरकार ने लगातार हमारी रिहाई के लिए लगातार प्रयास किए थे। कतर से लौटे नौसेना के दिग्गजों में से एक का कहना है कि हमने भारत वापस आने के लिए लगभग 18 महीने का इंतजार किया। हम पीएम मोदी के बेहद आभारी हैं। ये उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और कतर के साथ उनके समीकरण के बिना संभव नहीं होता। हम भारत सरकार द्वारा किए गए हर प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी हैं और उन प्रयासों के बिना ये दिन संभव नहीं होता। पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 लोगों में से 7 वापस लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर शेख के फैसले की सराहना करते हैं। बता दें, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुड़ेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राकेश शामिल हैं, जो कतर में अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे, जो कि सर्विसेज और रक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। बता दें, इन सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने सभी को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय सरकार ने नागरिकों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया था। इसके बाद बीते साल 1 दिसंबर 2023 को दुबई में कॉप 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। खैर, कुछ भी हो, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने इतिहास रच दिया है और मुस्लिम देश कतर से 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दुनिया को यह संदेश दिया कि एक एक भारतीय मोदी सरकार के लिए अहम है। और ये जीत देखकर पाकिस्तान चीन को संदेश है कि एशिया हो या दुनिया, भारत का सिक्का इसी तरह से चलता है। अब आपका क्या कुछ कहना है जिस तरह से भारतीय अब वापस लौट आए हैं उसे लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।